हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द सुपर एलिवेशन। Discussed about the super elevation, and in today's lecture we are going to discuss about the design of the super elevation and calculation of the super elevation. So let's start from a question. So the question is, the radius of the horizontal surface horizontal circular curve is 100 meter the design speed is 50 km/h and the design coefficient of lateral friction is 0.15. F is 0.15. Okay. So there are three criteria. Number one is calculate the super elevation required. Full lateral friction, if full lateral friction is assumed to develop, number two, calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction if no super elevation is provided. And third, calculate the equilibrium super elevation. Calculate the equilibrium super elevation if pressure on inner and outer wheels should be equal. ठीक है, तो ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस कितना हमें दिया हुआ है, 100 मीटर, यानी आर की वैल्यू जो है वो हमें 100 मीटर दी हुई है, और जो v है वो हमें दिया हुआ है 50 km/h, ठीक है, डिजाइन स्पीड, और फ्रिक्शन दिया हुआ है हमें 0.15. तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमें सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम टू डेवलप. ठीक है, अगर फुल लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, फुल लेटरल फ्रिक्शन की कंडीशन में हमें जो है सुपर एलिवेशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए कि आपसे ये बोल रहा है कि सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास E+F = V² / 127 × R. ठीक है, E+F = V² / 127 × R, और एक जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डिजाइन का वो क्या था, इसी में इसी फॉर्मूले में हमें जो बी था वो 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड लेते, फॉर्मूला हो जाता है E = V² / 225 R. ठीक है, तो E+F = V² / 127 R. अब इसे हम इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सुपर एलिवेशन. ठीक है, ई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और लेटरल फ्रिक्शन कितना है, फुल लेटरल फ्रिक्शन है, और हम जानते हैं कि जो फुल लेटरल फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है, 0.15, क्योंकि यही वैल्यू जो है लेटरल फ्रिक्शन की वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है.
तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो ई को एज इट इज रहने दे, एफ की वैल्यू 0.15, वी इज 50 kmph और ये वैल्यू हमें kmph में रखनी भी है, तो ये हो गया हमारा 50 का स्क्वायर अपॉन 127 इनटू आर. व्हाट इज आर? आर इज 100 मीटर. सो द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम हियर इज आफ्टर कैलकुलेशन The value of E is 0.0468. It means it's approximately equal to 0.047. 0.047. The value of E is 0.047. तो अगर हम full lateral friction के condition में निकालेंगे तो E की value आ रही है 0.047 और हम जानते हैं कि E max की maximum value E की क्या हो सकती है. E max is 0.07. ठीक है, ई मैक्स इज 0.07 और ये जो वैल्यू हमारी आई है वो ई मैक्स से कम है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर वैसे भी सेटिस्फाई कर रही है. और वैसे भी हमें ये वैल्यू कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है, तो ई का जो वैल्यू आ गया वो आ गया हमारे पास कितना, 0.047. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं. ओके देन, सो मूविंग टू द नेक्स्ट कंडीशन, द नेक्स्ट पार्ट इज कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड. राइट, तो अब हमें क्या करना है कि हमें एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और उसके लिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि नो सुपर एलिवेशन, मतलब सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है, जीरो है. ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर. ठीक है, e plus f is equal to v square upon 127 r, है ना. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, no super elevation का मतलब हो गया हमारा क्या, e is equal to 0, मतलब super elevation नहीं है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e की जगह पे 0 put करेंगे और f की value हमें calculate करनी है. v is what, 50 का square upon 127 into r, r की जगह पे क्या रखना है हमें, 100. ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एफ की कितनी आ रही है. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.196. ये वैल्यू आ गई है हमारे पास फ्रिक्शन की, अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं उस कंडीशन के लिए. ठीक है, और उस
कंडीशन के लिए एक चीज और है कि हम जानते हैं कि एफ मैक्स की वैल्यू जो है वो 0.15 से ज्यादा नहीं होगी लेटरल फ्रिक्शन, बट क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब अगर यही हम डिजाइन कर रहे होते तो स्टेप वन पे एक बार चेक करते, अगर ई की वैल्यू एक्सीड करती स्टेप टू मूव करते, एफ की वैल्यू चेक करते, एफ की वैल्यू एक्सीड करती तो स्टेप थ्री पे जाते, अलाउबल स्पीड चेक करते। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं। तो वैल्यू जो है वो हमारी एफ की आ गई है 0.196, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे, जो कि हमसे कह रहा है कि हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है अगर हमारे इनर एंड आउटर टायर पे प्रेशर सेम है तो उस कंडीशन के लिए। तो उस कंडीशन के लिए जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है क्या है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये फॉर्मूला है हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। तो अब हमें यहाँ पर ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी जो है वो कितना है हमारे पास 50, तो 50 का स्क्वायर अपॉन 127 into 100, ये वैल्यू हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कितना आ रहा है। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.196, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 1 इन के फॉर्म में निकालेंगे 0.0196 को, तो अगर हम इसको सुपर एलिवेशन के फॉर्म में निकालें जो कि हम 1 इन समथिंग करके निकालते हैं, तो अगर हम इसको 1/0.196 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 5.10, जो कि बहुत ज़्यादा है सुपर एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम 5.10 दे रहे हैं सुपर एलिवेशन तो वो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से हम इतना हाई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बट क्योंकि कैलकुलेशन के लिए बोला तो हमने कैलकुलेशन की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अगर हम इसके एप्लीकेशन पे देखें तो 1 in समथिंग इज इक्वल टू क्या आया आपका 5.10, विच इज वेरी हाई, सो दिस सुपर एलिवेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, राइट। क्योंकि सुपर एलिवेशन जो हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ कर्व है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ कर्व है और इस पर हमारी व्हीकल भी ऐसे मूव कर रही है, तो ये आपका इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा लेटरल फ्रिक्शन और इस डायरेक्शन में क्या है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन लग रहा है, आप ये सोचो कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर कर्व है तो सर्कुलर कर्व पे हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए हमारा लेटरल फ्रिक्शन इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है। चलो ठीक है, ये हमारी व्हीकल और जो पैसेंजर है वो कम्फर्ट जोन में रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कहता है कि इनर एज के रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को राइज करते हैं, ठीक है, सुपर एलिवेशन के लिए। तो अगर हमने इनर एज को एज इट इज रखा और आउटर एज को राइज कर दिया, तो अब हम उसको कितना राइज करें, तो उसके लिए भी एक मैक्सिमम लिमिट है, जो कि हम लोगों ने हमेशा ई मैक्स के बारे में पढ़ रखा है कि हाँ कितनी वैल्यू 0.07 और ये कितना है आपका 5.10, विच इज वेरी हाई, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू को कि इनर के रिस्पेक्ट में आउटर, अब जैसे मान लीजिए इनर आपका एज इट इज प्लेस पर है और आउटर एज को हम कितना राइज कर सकते हैं, तो अगर हम ज़्यादा राइज कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि व्हीकल और पैसेंजर दोनों डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में जाएगी और ओवर टर्निंग या स्किडिंग के चांसेस जो है वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम एक लिमिट तक ही ई की वैल्यू को राइज कर सकते हैं और ई की वैल्यू को रेज कर सकते हैं, ये हम आउटर सर्फेस को एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा हम रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपर एलिवेशन। ये तो हमने एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लिया है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो
दैट वॉज ऑल अबाउट दी सुपर एलिवेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the extra widening of the curve or extra widening of the road. ठीक है, अब आ जाते हैं हमें extra widening. extra widening. देखते हैं, सबसे पहले तो नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं. जो भी वाइडन रोड है हमारी, उसमें हम थोड़ा सा एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको और थोड़ा सा वाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर रहे हैं उसकी. मतलब हिंदी हिंदी में और साफ भाषा में बोली तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चौड़ीकरण. ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई एग्जिस्टिंग रोड है, ठीक है, एग्जिस्टिंग रोड है और हम मान लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है हमारी, डब्लू. ठीक है, एग्जिस्टिंग, अब जो कि हमने अकॉर्डिंग टू IRC पढ़ा हुआ है कि सिंगल लेन, डबल लेन और डबल लेन विद कर्व, डबल लेन विदाउट कर्व, इंटरमीडिएट लेन, मल्टी लेन, इन सबों में हमने ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं कि कितना कितना इनका जो है विड्थ होता है. तो जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल पर्स्पेक्टिव से देखें, तो जैसे मान लीजिए कि आज जो भी रोड हमारी बन रही है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के जो ट्रैफिक सिनेरियो है उनको देखते हुए बन रही है. लाइक अगर आज आपकी रोड बन रही है तो कब हम उसका वाइडनिंग करने की ज़रूरत क्यों आती है, जब हम ये देखते हैं कि हाँ किसी एक ट्रैफिक रीजन में, किसी एक जोन में या कोई भी हमारा एरिया होता है वहाँ पर अगर हमारा ट्रैफिक का एक्यूमुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसके कंपैरिजन में मतलब जाम की कंडीशन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे और हैंडलिंग नहीं हो पा रही है उसकी, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम उसकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग कर रहे हैं. तो एक्स्ट्रा बाकी जो चीज़ें हम लोग ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में पढ़ेंगे कि हाँ उसके हम ट्रैफिक का मोमेंट को किस तरीके से, अगर कहीं पर ज़्यादा जो है वो इंटरसेक्शन है और उस इंटरसेक्शन पे अगर नंबर ऑफ ट्रैफिक का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो हम वहाँ पर सिग्नल इंस्टॉल करते हैं और जानते ही हम कि रेड और ग्रीन और एम्बर लाइट होती है. वो सब तो खैर अब हम लोग ट्रैफिक में उसको बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा वाइडनिंग. तो जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारा ट्रैफिक कंडीशन है प्रेजेंट का और हम लोग जो आगे नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स का एक एकोमोडेशन डेटा लेके चलते हैं कि हमें आगे आने वाले ईयर में कितना ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो उस पर एकोमोडेट होगा, उस हिसाब से हमें उसकी क्या करनी है, वाइडनिंग करनी है. ठीक है, तो सपोज एक एग्जिस्टिंग रोड है हमारा जो कि कितने विड्थ का है, डब्लू, और हमने इसको क्या करना है, वाइडनिंग करनी है, इसका इसको चौड़ा करना है. तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से इसकी इसको चौड़ा कर रहे होते हैं. अब ये सेम चीज़ें हमारी लागू होती है अगर हमारा कोई कर्व है तो भी. ठीक है, कोई कर्व है तो भी हमारी सेम चीज़ ही होगी कि जैसे मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट रोड है. ठीक है, ये हमारी सपोज एक स्ट्रेट रोड है और ये स्ट्रेट रोड जो है जब सर्कल में, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई 90 डिग्री इंटरसेक्शन पर जाना है. ठीक है, तो बिल्कुल से अगर हम कोई सडन 90 डिग्री का इंटरसेक्शन देंगे तो वहाँ पर आपके कोलिजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विजिबिलिटी लो होने की वजह से एक्सीडेंटल रेट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रेट रोड को जोड़ना है सर्कुलर कर्व से, तो हम बीच में एक ट्रांजिशन फेस का यूज़ करते हैं. बाकी ट्रांजिशन कर्व क्या होता है ये पहले भी वैसे प्रायर वीडियो में भी डिस्कस हो चुका है, एक बार फिर हम उसको बताएंगे कि ट्रांजिशन कर्व क्या है. और जैसे मान लीजिए कि आपका स्ट्रेट रोड है और आपको इस सर्कल पर जाना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन फेस से होते हुए हम इस सर्कल में, सर्कुलर कर्व में एंट्री करते हैं. फिर ये हमारा सर्कुलर कर्व हुआ, वापस से हमको स्ट्रेट रोड पे आना है. ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कुलर कर्व होता है, फिर सर्कुलर कर्व से वापस से हम ट्रांजिशन फेस में आते हैं और तब हम स्ट्रेट रोड पे आते हैं. ठीक है, यानी स्ट्रेट रोड हुआ, फिर ट्रांजिशन फेज हुआ, फिर हमारा सर्कुलर कर्व हुआ, फिर सर्कल से हम किस पे आते हैं, ट्रांजिशन पे, और ट्रांजिशन से फिर वापस किस पे आते हैं, स्ट्रेट पे. मतलब हम ट्रांजिशन कर्व का यूज़ कब करते हैं, जब हम एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहे होते हैं तो. और क्यों करते हैं, क्योंकि स्मूथ ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि अगर हम सडन एक कर्व से, सडन स्ट्रेट से आप सर्कल में जाओगे तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो है मतलब
जर्किंग की प्रॉब्लम आएगी, जर्क आपको लगेगा, अचानक से पाथ चेंज होगा, तो सडन चेंजेस की वजह से विजिबिलिटी लो होने की वजह से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंटल रेट बढ़ेगा, ये सब कुछ रीजन है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे इस सर्कल, ये तो आपकी स्ट्रेट रोड हो गई, अगर हमें यहाँ पे वाइडनिंग करनी है, एग्जिस्टिंग सपोज डब्ल्यू है तो हमें वाइडनिंग करनी है, तो जितनी भी हमें वाइडनिंग करनी होगी उसका हाफ पोर्शन हम इधर करेंगे, हाफ पोर्शन इधर करेंगे, जो भी वाइडनिंग करेंगे। इसी तरीके से जब हम मान लीजिए किसी सर्कुलर कर्व में एंटर कर रहे हैं और स्ट्रेट से सर्कल की तरफ जाते हैं, सर्कुलर कर्व की तरफ, तो हम ट्रांजिशन फेज से होते हुए जाते हैं, फिर सर्कल पर जाते हैं, फिर ट्रांजिशन होते हुए फिर हम स्ट्रेट पे आते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम इसको, जैसे मान लीजिए कि हम वाइडनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप सेम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो रोड की विड्थ है वो है हमारी W, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर वाइडनिंग देना शुरू करते हैं तो हम ट्रांजिशन से ही हल्का हल्का वाइडनिंग देना जो है रोड को शुरू कर देते हैं, और फिर यहाँ पर हम सर्कुलर पे आते हैं मैक्सिमम देते हुए, फिर वापस से हम ट्रांजिशन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, फिर वापस से हम ट्रांजिशन में आ जाते हैं, और यही चीज़ हम दोनों साइड में करते हैं। ये आपका हो गया इनर साइड, इनर साइड पर भी हम वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे, और ये हो जाता है आपका आउटर साइड। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्या, आउटर साइड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा W एग्जिस्टिंग विड्थ है, तो ये भी हमारा कितना होगा W, ये भी कितना होगा इतना W, ये भी क्या होगा W, ये भी जो विड्थ होगी कितनी होगी W, ठीक है, ये सब हमारी एग्जिस्टिंग विड्थ है कितनी W। अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग W, जिसको हम डिनोट करते हैं W E से, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को। तो जब हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देना शुरू करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो तो हम इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल जब हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग रोड में देना शुरू करते हैं, तो हम ट्रांजिशन से ही हल्का हल्का हल्का, जब आप ऐसे कभी देखा करो कि जब भी आप किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करते हो और ऐसा कोई मोड रहता है, तो आप देखते हो कि स्ट्रेट रोड है, फिर अचानक से जो रोड है, अगर मान लीजिए आपका सर्कुलर आपको ऐसा मुड़ना है, तो वो जो रोड होती है उस साइड की, वो थोड़ी थोड़ी जो है एक्सटेंड होती जाती है, एक्सपेंशन में होती है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो एक टाइम पे जहाँ पर सर्कुलर कर्व होता है मैक्सिमम होती है, फिर वापस से आपको स्ट्रेट रोड से कनेक्ट कर देती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें W E एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी है, तो हम कैसे देंगे, मेनली तो हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पर देनी है, और धीरे धीरे हम इसको देते हैं, क्योंकि अचानक से हम नहीं दे सकते, इसलिए हम यहीं से इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। अब हमें W E देना है, तो हम इस साइड में देंगे W E by 2 इनर साइड, और W E by 2 देंगे हम आउटर साइड, दोनों साइड पे हम W E by 2 W E by 2 देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग से निकालते हैं, ठीक है, पहले हम निकालेंगे मैकेनिकल वाइडनिंग और उसके बाद हम निकालेंगे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। तो ये फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ई का, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस बाय मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। जो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है वो होती है हमारी एन एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू आर, ठीक है, एन एल स्क्वायर अपॉन टू इंटू आर, वेयर एन इज वॉट, एन इज नंबर ऑफ लेन। तो क्या होता है कि हमें कई बार जो है क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर ऑफ पेजेस आर टू, नंबर ऑफ पेजेस आर वॉट एवर द नंबर ऑफ पेजेस इज द वैल्यू ऑफ एन विल बी दैट, ठीक है, अगर बोलता है कि टू नंबर ऑफ पेजेस तो द वैल्यू ऑफ एन विल बी टू, ठीक है। अच्छा, ये जो हमें एल जो दिया हुआ है, ये एल स्क्वायर जो टर्म है, ये एल बताता है हमारा लेंथ ऑफ द व्हीकल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द व्हीकल हम नॉर्मल कंडीशन में 6 मान के चलते हैं, एल इज इक्वल टू 6 मीटर, मैक्सिमम लेंथ मान के चलते हैं एल इज इक्वल टू 6 मीटर के लिए, बट अगर क्वेश्चन में हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है, लाइक एल इज इक्वल टू 5 मीटर, एल इज इक्वल टू 7 मीटर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी वो हम लेकर के चलेंगे, नहीं गिवन होंगे तो हम एल बराबर कितना मान के चलेंगे 6 मीटर, ठीक है। एन इज हमने बता दिया आपको नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, अब आर की वैल्यू पे आ जाते हैं, आर इज व्हाट, आर इज रेडियस, तो वो रेडियस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आर जो है वो हमारा रेडियस ऑफ द कर्व जो भी होगा वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है वो दिया रहेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पे, डब्ल्यू पी एस वाई, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला है हमारा बी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, बी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर, जहाँ पे बी जो है वो हमारी स्पीड है,
स्पीड जो भी हमारा होगा kmph में वो स्पीड रखेंगे, और r जो होगा वो हमारा होगा रेडियस ऑफ द कर्व। यानी कि अगर हम we की बात करें तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी ln स्क्वायर अपॉन 2 इनटू r प्लस v अपॉन 9.5 अंडर रूट r। ठीक है, ये वैल्यू जाएगी हमारे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की। तो अगर हमें कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलता है तो हमें नंबर ऑफ एजेस का जरूरत होगा, लेंथ ऑफ द व्हीकल चाहिए होगा, रेडियस और स्पीड ऑफ द व्हीकल यही हमें चाहिए। हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम लेते हैं एक वाइडनिंग का, एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्वेश्चन। फॉर्मूला हमें याद रखना होगा सो दैट लगाने में आसानी रहे सवाल। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड calculate the extra widening required for a pavement of within 7 meter on a horizontal curve of radius horizontal curve of radius 250 meter if the longest wheelbase of vehicle expected on the road is 7 meter, design speed is 70 kmph. Now compare the value obtained with IRC recommendation. ठीक है, तो आ जाते हैं पहले इसके। सबसे पहले तो जो values हमें दी हुई हैं पहले हम उसको note down कर लेते हैं। और अगर हमने जो है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें निकालनी है। ठीक है, और जो पेवमेंट की एग्जिस्टिंग विड्थ है मतलब W की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो कितनी दे रखी है 7 meter। ऑल दो हमको उसको कैलकुलेशन के लिए नहीं चाहिए, बट इसका यूज क्या होगा, क्यों दिया हुआ है वैल्यू, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि जो एग्जिस्टिंग पेवमेंट की विड्थ है वो 7 meter है, मतलब 7 meter विड्थ की रोड ऑलरेडी है। और जो कि हम आईआरसी रिकमेंडेशन के हिसाब से जानते हैं वो ये है कि 7 meter रोड अगर विड्थ है तो इसका मतलब हुआ कि वो कितने लेन की रोड है, 2 lane की रोड है। ठीक है, यानी कि यहाँ से साफ जाहिर है कि n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 meter क्यों, क्योंकि विड्थ ऑफ द पेवमेंट कितनी है 7। तो 7 meter अगर विड्थ है तो इसका मतलब एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। Now the radius of the horizontal curve, r की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 250 meter। एंड वन मोर वैल्यू, लॉन्गेस्ट व्हील बेस ऑफ द व्हीकल इज 7 meter। अभी हमने आपको बताया था कि l की वैल्यू जो होगी
वो हम अपने मन से 6 मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या है कि हमें क्वेश्चन में एल की वैल्यू जो है वो गिवन है, तो एल की वैल्यू हमें 7 मीटर गिवन है, तो हम 7 ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एल इज 7 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ वी स्पीड इज 70 km/h, 70 km/h, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फॉर्मूले पर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल स्क्वायर अपॉन 2 × r प्लस वी अपॉन 9.5 √r, ये वैल्यू है, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला है, अब हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, सारी वैल्यूज जो है वो हमें पुट कर देनी है। और लास्ट में एक चीज़ आपसे और बोला, ये हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन में इसमें है कि हमें जो भी वैल्यू डब्ल्यू ई की आएगी उसको कंपेयर करनी है जो IRC रिकमेंडेशन वैल्यू है उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो कैलकुलेट करेंगे ही, वो तो हमें आसान है कैलकुलेट करना, वैल्यू सारी गिवन है, हमें सिर्फ उसमें रख के वैल्यू पुट करके निकालना है। लेकिन लास्ट में हमें ये वैल्यू कंपेयर करना है कि डब्ल्यू ई जो है वो जो भी वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की आ रही है वो उसके कंपैरिजन में एज पर IRC वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस की वैल्यू है हमारी 2, व्हाट विल एल वैल्यू फॉर एन इज 7 और 2 × r, r इज 250 प्लस वी इज 70 अपॉन 9.5 √r इज 250, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन पर डब्ल्यू ई की वैल्यू ये वैल्यू हमारी आ रही है 0.66 मीटर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो अगर हम टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट की बात करें, ऑल्दो वो हमसे क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन इस तरीके का भी हमसे कई बार पूछता है कि फाइंड आउट द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट। तो अगर हम टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट की बात करें कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट एक्स्ट्रा वाइडनिंग के बाद क्या होगी, तो ठीक है 7 मीटर तो पहले ही था एग्जिस्टिंग, तो 7 प्लस हमने वाइडनिंग कितने की दी 0.66, यानी कि टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट हो गया 7.66 मीटर, ठीक है। ये हो गई हमारी टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर हमारा डब्ल्यू ई की वैल्यू 0.66 आई है तो 0.66 / 2 करेंगे और ये आ जाएगा 0.33, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वाइडनिंग दी हुई है, तो ये जो हमारा सर्कुलर कर्व होगा ना, इस सर्कुलर कर्व में अगर मान लीजिए हमने ये वाइडनिंग दी और इधर ये इतना वाइडनिंग दी, ये वैल्यू होगी 0.33 और ये वैल्यू होगी 0.33, मतलब हमें दोनों साइड पर हमें ये वाइडनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ करेंगे और इनर एंड आउटर साइड को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो एडिशनल चीज़ें थी, आपसे पूछी नहीं थी, बट ये इस तरीके का प्रोबेबिलिटी बनता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट और इनर एंड आउटर पे हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू आएगी उसको हम हाफ पोर्शन उसका इनर में फिक्स करेंगे, हाफ पोर्शन जो है वो आउटर पे फिक्स करेंगे, ठीक। चलो ये बात हो गई। अच्छा, जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो भी हमारी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू आ रही है उस एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू को IRC रिकमेंडेशन की वैल्यू से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इसके लिए आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो टेबल है आपका एक तरफ रेडियस ऑफ कर्व लिखा हुआ है कि एक तरफ रेडियस ऑफ कर्व कितना होगा और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि उसके रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी होगी, ठीक है। इस तरीके का एक टेबल बना हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई है 0.66। तो एज पर IRC रिकमेंडेशन कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपकी 0.6 यानी कि रेडियस ऑफ कर्व आपका 101 मीटर से 300 मीटर के बीच में अगर होगा रेडियस ऑफ द कर्व, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग 0.66 होगी। तो जीरो, अब हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्व कितना दिया है 250 मीटर और वो इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 250 मीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्व के लिए
जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू आई है वो सही आई है, मतलब वो एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन है। तो ये अगर आपको पूरा टेबल फाइंड आउट करना है, तो वैसे मैक्सिमम तो हम 500 मीटर तक रखते हैं, और तो अगर मान लीजिए आपको ये पूरा वैल्यू फाइंड आउट करना है ये टेबल का, तो आप इसको बुक से रेकमेंड कर लीजिएगा। बुक में आपको एक पूरा टेबल दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको हमें याद रखना होगा, बट इतना याद करने का है कि अपनी कैपेबिलिटी पर है कि हम उसको कितना रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर ज्योमेट्रिकल फीचर्स ऑफ द हाईवे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।